हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक से बनी मट्ठी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ नया है। बिल्कुल नया है, बहुत अच्छी लगती है। हमने मेथी से ट्राई किया है तो हम पालक से भी ट्राई करेंगे आज। आज आपको बताएंगे कैसे बनती है ये। मैंने पालक ले ली है और बारीक बारीक मैंने काट लिया है। तो अब हम इसको, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर ये मैं थोड़ी थोड़ी सी पालक ऐसे डालूंगी, क्योंकि पालक जो है पानी बहुत छोड़ेगी तो हमारा आटा जो है वो बहुत गीला हो जाएगा। इसलिए मैंने इस पे ये पालक डाली है कि जिससे हमारा जो पानी है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसके ऊपर चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कितना पानी ये देखिए निकल रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये आटे को पूरा गीला कर देता है, इसकी वजह से मैं इसका पानी जो है वो पहले से ही जला दे रही हूँ, जिसकी वजह से हमारी मट्ठी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए, इस तरह से हम लोगों को करना है। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और भी मेरी वीडियोस हैं, जो भी आपको चाहिए होगी आप कमेंट्स करिएगा, मैं उसके लिंक आपको शेयर कर दूंगी। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना पानी निकल रहा है। तो जब तक पानी नहीं सूख जाता, जब तक हम इसको इसी तरह से हाई फ्लेम पे पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए अब अपना हो चुका है, इसलिए मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देते हैं। तो चलिए, ये ठंडा होता है और हम दूसरा काम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आटा लिया है, ये मेरा गेहूं का आटा है और ये मेरा सूजी है, ठीक है। ये दोनों मैंने लिया हुआ है। आटा मेरा 1 कटोरी है पूरा, और इसमें मैंने ये जो सूजी है वो भी मैंने लिया है। सूजी इसलिए लिया है मैंने कि हमारे जो मट्टी है वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बने, इसलिए मैंने लिया है। तो ये मैं मिक्स कर देती हूँ दोनों को। अब हम इसको अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे पहले। ये देखिए, इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मिक्स हो गया है मेरा। अब हम इसके अंदर कुछ सामान जो है और डाल लेते हैं, जो स्पाइसेस वगैरह हैं हमारी, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जो है ये है, ये देखिए, ये मेरा जीरा है, 1 टेबल स्पून है। ये मेरा अजवाइन है, 1 टेबल स्पून है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, जो माइंडली टिकी होती है, इसलिए मैंने कश्मीरी लिया, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हल्दी लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून। ये हमारा 1 टेबल स्पून काली मिर्च है। नमक स्वाद अनुसार है इसमें। और ये धनिया पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून है। तो ये जो है हम इस तरह से डाल लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए, इस तरह से ये जो हमारी अजवाइन है वो हम इसमें हाथ पे ले लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी आ गए हैं। तब भी कोई बात नहीं, इसको हम इस तरह से हाथ से क्रश करके डाल देंगे। और ये हमारा जीरा पाउडर डाल देंगे। ये तो चलिए हो गया। अब हम इसके अंदर ये डालेंगे व्हाइट वाली तिल, वो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब होगा वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके अंदर जो पालक हमने पानी जला दिया था, तो पालक हमारी जो है वो अब सॉफ्ट ठंडी हो गई है, तो अब हम वो इसमें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है पालक और ये मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से अब ये हमने डाल लिया है। हम इसको मिक्स कर देते हैं हाथ से। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है मैंने। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर फिर से हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, जिससे हमारा ऑयल डालने का मकसद ये है कि हमारी जो मट्टियां हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बने बिल्कुल। तो इसलिए हमने ये ऑयल डाला है। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, बट मैं तो रेफर यही करती हूँ कि ऑयल बेटर रहता है इसके लिए। तो ये देखिए आप, और हम इस तरह से बांध रहे थे, ये बहुत अच्छे से बन जा रहा है। तो चलिए, इसमें हम पानी लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये इस तरह से हल्का हल्का लगाना है, क्योंकि हमको इसका जो आटा है वो काफी टाइट होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के इस आटे को गूंदेंगे। देखिए, इस तरह से हम गूंद लेते हैं। फ्रेंड, देखिए, बिल्कुल आटा बिल्कुल मैंने एकदम, ये देखिए, इस तरह से मैंने लगा लिया है। चलिए अब आगे की प्रोसेस को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने ऑयल ले लिया है और ये आरारोट पाउडर है। आरारोट पाउडर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो मट्टी है उस पर हमको लगाना है। तो ये आरारोट पाउडर है मेरा और ये मैं ऑयल के अंदर ये डाल रही हूँ। ये मेरा 2 टेबल स्पून के करीब है और हम इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसका एक साटा तैयार करेंगे, जिससे हम अपनी मट्टी की के ऊपर लगा सकें। ये इस तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरा साटा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं और अपने आटे की ओर चलते हैं। और आटे में से इतनी सी, ये इतनी बड़ी एक लोई ले लेते हैं और अच्छे से इसको इस तरह से एक लोई बनाएंगे।
फ्रेंड्स अब मैं इसको बेल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमको बेलना है इसको, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमको हम बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमको इसको बिल्कुल पतला भी नहीं करना है और इसको काफी अच्छे से बेलना है। जो साइड साइड का है वो अभी कवर हो जाएगा, ये फटेगा भी नहीं और ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए मैंने बना लिया है। अब जो साटा है वो हम इसी के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने ये साटा लगा लिया है। ये देखिए चम्मच की सहायता से आप लोगों को ये साटा ये लगाना है, हर जगह पे आप लगा लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमारा जो इस तरफ का भाग है वो हम इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने मोड़ लिया है। अब हम इस तरह से ये इस तरीके से और ये इस तरीके से हम इसको मोड़ लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको फिर से धीमी हाथ से इस तरीके से फिर से बेलन से फैलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फैला रहे हैं हम। फ्रेंड्स ये देखिए हो गया है। अब हम इसके ऊपर फिर से साटा लगाएंगे। हमको इसको यही जो चीजें हैं इनको तीन बार रिपीट करना है। ये दूसरी बार है मेरा, हम इसको तीन बार ऐसे ही रिपीट करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी हमारी मटरी बनके बिल्कुल तैयार होगी। ये देखिए इसी तरह से, ये मैंने बताया ना आपको, इस तरह से आप आराम आराम से बिल्कुल, ये देखिए इस तरह से ये हो गया है हमारा। अब हम इसको अच्छे से दबा लेंगे और फिर से दोबारा से हम इस तरह से इसको बेलेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। तब हम इसको इसकी अपनी चौड़ाई के हिसाब से आप रखिए, आपको पतला रखना है कि आपको मोटा रखना है, पर मेरे हिसाब से इतनी जो है लंबाई बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो इसको हम चक्कू की सहायता से इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमने काट लिया है, ये इस तरीके से। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। आप चलिए इसको फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स तेल बिल्कुल हीट पर है और मैंने इसको नॉर्मल कर दिया है टेम्परेचर इसका। और ये देखिए इस तरीके से हम इसमें ये डाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सभी को इस तरह से डाल लेना है। फ्रेंड्स ये देख पा रहे होंगे आप कितनी अच्छी है। देखिए परतें भी खुल गई हैं इसकी और काफी अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो रहा है ये। देखिए थोड़ी देर और हम इसको इसी तरह से रखेंगे तेल में। देख पा रहे होंगे आप काफी अच्छी इसकी परतें खुल रही हैं। तो इसको और तल लेते हैं अभी। फ्रेंड्स ये अब हो गया है, अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप लोग कितनी अच्छी और कितनी क्रिस्पी। देखिए आप लोग आवाज भी सुन पा रहे होंगे कि काफी क्रिस्पी। और ये देखिए आप लोग, अभी मैं आपको ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी ये बनी है। पालक की मट्ठी है जो मैंने बनाई है और आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। पालक से भी, मेथी से तो हमने बहुत बार खाई है, पर आप पालक से भी इसलिए ट्राई करेंगे क्योंकि पालक भी काफी अच्छा एक सब्जी है और उसको भी हम इस तरह से ट्राई करके बच्चों को चाय के साथ नाश्ते में दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो पालक वगैरह खाना पसंद नहीं करते, उनको हम इसी तरीके से मट्ठी वगैरह बना के खिलाएंगे तो वो बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे और चाय के साथ तो मजा ही आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये दूसरी वाली भी डाल ली है सब। अब हम इसका भी इसी तरह से इसको भी तल लेते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो है जो, और भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मैंने डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करिएगा तो मैं उसकी लिंक आपको जरूर शेयर कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से बन रहा है। अब हम 2 मिनट के बाद इसको फिर चेक करते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी ये बन के तैयार हुई है। आप इसकी आवाज जो है वो सुन पा रहे होंगे। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी बिल्कुल बन के तैयार हुई है। अब आप इसकी आवाज जरा सुन सकते हैं। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी ये बन के तैयार हुई है। ये आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी मुझे आ रही है। चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी ये परतें खुल के तैयार हुई हैं। आप देख रहे होंगे, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये मट्ठी मेरी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत अच्छी है ये जो पालक की हमारी मट्ठी हमने बनाई थी। ट्राई कीजिए, फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब को दिया है। मैंने घर में बहुत बार बना चुकी हूँ और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तब आप लोग भी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जब आप बनाएं तो मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करें। मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। आपको कोई कुछ रेसिपी चाहिए वो आप मेरे से, मैं आपको कमेंट्स करेंगे, मैं आपको वो रेसिपी आपको लिंक शेयर कर दूंगी। और मेरे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।